वेलकम टू एड्यूज फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अकाउंट्स का एक नया टॉपिक जो एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है उसको हम लोग सीखेंगे। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो का ये टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिर्फ उसको हम लोग डील करेंगे, ताकि जो आपका एग्जामिनेशन आ रहा है ना वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं इस रेशियो को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। रेशियो का नाम है एक्टिविटी ऑब्लिक टर्नओवर रेशियो, या तो आप इसको एक्टिविटी रेशियो बोलेंगे या टर्नओवर रेशियो बोलेंगे। उसमें सबसे जो पहला फॉर्मूला हम लोग सीखने जा रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या सीखने जा रहे हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जो पहला फॉर्मूला है उसका नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है COGS और COR डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। COGS और COR डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। COGS का मतलब आपको अच्छे से पता होगा, COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसी का अभी नया नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद जो एवरेज स्टॉक है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी ये तो क्लियर हो गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो ये दूसरा फॉर्मूला है नेट सेल्स बाय एवरेज स्टॉक, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इसके बदले ही किया जाता है। बोला ये जो नेट सेल्स बाय एवरेज स्टॉक है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जब क्वेश्चन में COGS नहीं दिया रहे, जब क्वेश्चन में COGS नहीं दिया रहे या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं दिया रहे। अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ है और साथ ही साथ कोई और चांसेस नहीं है कि ये कैलकुलेट हो सकता है, इट मीन्स COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ये ना दिया रहे या ये कैलकुलेट होने का भी चांसेस ना हो, इट मींस ऐसा कोई कंपोनेंट क्वेश्चन में नहीं है जिसके हेल्प से COGS कैलकुलेट हो सकता हो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट हो सकता हो। अगर COGS और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और उसकी कोई संभावना भी नहीं है, वो कैलकुलेट भी नहीं हो पा रहा है, तब उस कंडीशन में हम लोग कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? नेट सेल्स बाय एवरेज स्टॉक। जब COGS नहीं दिया रहेगा और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी नहीं दिया रहेगा, और ये COGS और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना भी संभव नहीं हो, इट मींस ऐसा कोई कंपोनेंट उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है जिसके मदद से आप COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल सकते हैं, इट मींस नहीं निकल पाए, तो क्वेश्चन में आपका नेट सेल्स जरूर दिया रहेगा। तब उस कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला के जगह इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, नेट सेल्स बाय एवरेज स्टॉक। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को बीच में बंद ना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके कॉन्सेप्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहें। साथ ही साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि आपके स्क्रीन पे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है ना, उस बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस हमारा नया अपडेट हो रहा है ना वो आप तक पहुंचते रहे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो बोला ये जो एवरेज स्टॉक है, ये एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। या तो क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया रहेगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज स्टॉक। कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, इट मींस ओपनिंग और क्लोजिंग में सिर्फ क्लोजिंग दिया रहेगा, सिर्फ क्या दिया जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और कुछ ऐसा स्टेटमेंट या कुछ ऐसा कंपोनेंट्स होगा जिसके हेल्प से ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़े तो आप निकाल लेंगे, या कभी कभी ऐसा होगा कि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है और निकल भी नहीं सकता है, उस कंडीशन में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ही एवरेज मान लिया जाएगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा और ओपनिंग स्टॉक निकल भी नहीं सकता है, उस कंडीशन में जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उस क्लोजिंग स्टॉक को ही क्या मान लेंगे? एवरेज स्टॉक। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इस पे लेते हैं और बनाते हैं ताकि इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं। आइए एग्जाम्पल 1,
कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ध्यान दीजिए यहाँ मैंने शॉर्ट में टीओ लिखा है, टी डॉट ओ, आप एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जामिनेशन में पूरा लिखेंगे टर्नओवर, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है टी डॉट ओ, टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। देखो तो बोला क्वेश्चन में बोला COGS कितना दिया 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो आपके क्वेश्चन में COGS दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहले आप एवरेज स्टॉक निकालो, COGS निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरेज स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, फिर से ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 15,000 प्लस 25,000 40,000, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20,000, मतलब 20,000। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे COGS बाय एवरेज स्टॉक, COGS कितना है 1,20,000, एवरेज स्टॉक कितना है 20,000, तो 20,000 से 1,20,000 में डिवीजन करेंगे तो 6 आएगा। और एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो टाइम्स में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं टाइम्स में, तो देखिए इसका आंसर क्या है 6 times, क्या आया 6 times। आइए इसके अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो है आपका एग्जाम्पल नंबर टू, जिसमें नेट सेल्स कितना दिया हुआ है 1,70,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20,000, एवरेज स्टॉक 30,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आइए समझिए, क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो एवरेज स्टॉक निकालने की जरूरत नहीं है, क्या दिया हुआ है नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग जानते हैं कि जो ग्रॉस COGS है, COGS निकालने का एक तरीका होता है, नेट सेल्स में से क्या माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स में से क्या माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम लोग नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे, जैसे 1,70,000 माइनस 20,000 1,50,000, मतलब ये कि नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अगर माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए आप लोगों ने नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया 1,50,000, ये क्या निकला COGS, क्या निकला ये COGS। उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो COGS कितना है 1,50,000, एवरेज स्टॉक कितना है देखो 30,000, तो आंसर क्या आया 5 times, आंसर क्या आया 5 times। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में जाने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं, आप वीडियो को काइंडली बीच में बंद ना करें, लगातार वीडियो को देखते रहे, आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा, तभी का पूरा टॉपिक आप समझ पाओगे। आओ एग्जाम्पल 3 देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक 65,000, परचेज 3,40,000, सेल्स 4 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ये 4 इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 65,000, परचेज 3,40,000, सेल्स 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अब देखो आपको निकालना क्या है, तो निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, तो COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आइए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को 0 लेंगे, नहीं लेंगे। तो हम लोग बाकी चीज को पुट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को पुट करते हैं, नेट परचेज को पुट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को पुट करते हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका 3,55,000 आया, ये आपका आया COGS, ये क्या आया COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, अब क्या निकालना एवरेज स्टॉक, क्या चाहिए एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक के लिए हमारे पास क्या है ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, और इसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो जो आपका इसका जो आंसर आ रहा है एवरेज स्टॉक का 57,500, क्या आंसर आ रहा है 57,500। आइए अब जब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, फिर से ध्यान दीजिए एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम लोग पुट कर रहे हैं COGS बाय एवरेज स्टॉक। COGS हमने कितना निकाला है 3,55,000, COGS हमने निकाला 3,55,000 और एवरेज स्टॉक 57,500, 3,55,000 में 57,500 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 6.17 times। फ्रेंड्स ये जो एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का कुछ एग्जांपल और कुछ कॉन्सेप्ट,
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझने में किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हम उन जो भी आप क्वेश्चन अराइज करेंगे या जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं हम लोग उनको उसको क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक बहुत पसंद आया हो तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करना ना भूलें, लगातार वीडियोज़ को देखते रहें और पूरा कंसेंट्रेशन अभी पढ़ाई पर लगाएं, कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर्स पर ध्यान बिल्कुल ना दें क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत करीब है। एग्जामिनेशन आपको दोबारा नहीं देना है, इसी बार क्लियर कर लेना है, एग्जामिनेशन दोबारा नहीं देना है, इसी बार अच्छे से पढ़ करके एग्जाम दे करके अच्छे से पेपर क्लियर करके अच्छे से मार्क्स लेकर के आगे का करियर के बारे में सोचना है और देखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।